नमस्कार बच्चों, मैं हूँ सोनिया सलूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक नई स्वाति का पाठ 14, जिसका नाम है दंत कथा। दंत अर्थात दांत, कथा अर्थात कहानी, मतलब दांतों की कहानी। तो बच्चों, इस कहानी में, इस पाठ में हम ये जानेंगे कि हमें अपने दांतों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, कैसे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं और अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपको मुस्कुराहट कैसी अच्छी लगती है? किसकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है? जिनके दांत चमकदार हों, करीनेदार हों, उन्हीं की मुस्कुराहट अच्छी लगती है ना। अभी आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके दांत पीले हैं, टेढ़े मेढ़े भी हैं, टूटे हुए भी हैं, और वो आपके सामने हंस रहा है मुंह खोल के, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अजीब लगेगा, है ना। तो बच्चों, अपनी मुस्कुराहट को अच्छा बनाने के लिए हमारे दांतों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आइए, पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम दांतों की बनावट के बारे में जान लेते हैं। इसे कहते हैं पल्प। ये हमारे दांतों का सबसे जरूरी हिस्सा है, कहें तो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हिस्सा है। इसमें नसें और मांसपेशियां होती हैं। इनेमल, ये हमारे दांतों की ऊपरी परत होती है जो थोड़ी कठोर होती है। डेंटाइन, ये हमारे दांतों की दूसरी परत होती है जो इनेमल से थोड़ी नरम होती है। जड़, ये मसूड़ों के नीचे होते हैं। सीमेंटम, ये हड्डी की पतली परत होती है जो जड़ की सुरक्षा करती है। मसूड़े, ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी होते हैं और जड़ों को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। अगर हमारे मसूड़े अच्छे हैं तो हमारे दांत अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। तो ये थी हमारे दांतों की बनावट। अब आगे चलते हैं बच्चों। दांतों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और दांत स्वस्थ कब होंगे? जब आप अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। अगर आप कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा लेते हैं तो आपके दांत मजबूत रहेंगे। अब हमें कैल्शियम किन चीजों से मिल सकता है? आप दूध पीजिए, पनीर, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाइए, आपके दांत बिल्कुल मजबूत रहेंगे। जिन चीजों में कैल्शियम होता है वो हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा सेब, गाजर, अगर आप ये सब भी नियमित रूप से खाते हैं, कच्ची सब्जियां, तो भी हमारे दांत मजबूत होते हैं। इन चीजों को चबा चबा कर खाने से हमारे दांतों का व्यायाम हो जाता है। आप देखते हैं कि अगर हम अपने शरीर के लिए व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। ऐसे ही अगर आप दांतों का व्यायाम करते हैं, आप चबा 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 कर कच्ची सब्जियां खाते हैं, तो आपके दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है, और जब व्यायाम हो जाता है तो आपके दांत मजबूत बन जाते हैं। तो बच्चों, अपने दांतों को मजबूत रखने के लिए आप अच्छी अच्छी चीजें जो कैल्शियम से भरपूर होंगी वो जरूर खाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों दांतों के प्रकार के बारे में। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है दांत भी आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, है ना। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे दांत भी आने लगते हैं। तो जब हमारे बच्चों के शुरू के दांत आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत। और जो दांत 17 से 21 वर्ष की आयु में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी दांत। तो इस तरह से ये हमारे दांतों के प्रकार हुए। अब आप देखते हैं कि कई बच्चों के दांतों में काले काले कीड़े लगे होते हैं। वो कैसे लग जाते हैं कीड़े? वो एक ही कारण है, जो बच्चे टॉफी और चॉकलेट ये अधिक मात्रा में खाते हैं उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, कीड़े और बीमारियों से बचने के लिए चॉकलेट और टॉफी बहुत कम खाएं। अब आप ध्यान रखेंगे, जो बच्चे बहुत ज्यादा टॉफी और चॉकलेट खाते हैं वो आज ही अपने इस चीज को कम कर देंगे ताकि अपने दांतों को आप स्वस्थ रख सकें। अच्छा, अब बच्चों मैं आपको एक बहुत ही विचित्र बात बताने जा रही हूं। विचित्र मतलब अनोखी, बड़ी अद्भुत बात बताने जा रही हूं। आपने सुना होगा मिस्र एक देश है ना। उस देश की क्या मान्यता है? उस देश में ऐसा माना जाता है
कि जो हमारे दांतों में काले कीड़े होते हैं वो कीड़े नहीं हैं, वो क्या है, राक्षस हैं। जब हमारे दांतों में कोई राक्षस हमला कर देता है तो ये कीड़े बन जाते हैं, ऐसा मिस्र के लोग मानते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो यही कहते हैं ना कि आपने ज्यादा मीठा खाया होगा, ज्यादा चॉकलेट खाई होंगी तो आपके दांत खराब हो गए। तो बच्चों, अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आप मीठा कम से कम खाएं। आगे चलते हैं बच्चों। हमारे दांतों में जो ज्यादा बीमारी लगती है, जो ज्यादा खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं, प्लाक। प्लाक एक बैक्टीरिया का नाम है। हम क्या, देखो आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे कण हमारे दांतों में फंस जाते हैं, है ना, और जो ये प्लाक नाम का बैक्टीरिया है ना, ये हमारे दांतों पर हमला कर देता है और हमला करने के बाद हमारे दांतों को बुरी तरह से सड़ा देता है। तब हमारे दांत सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इनमें कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए पहले तो आप चॉकलेट और टॉफी कम खाएंगे, और दूसरी बात ब्रश करेंगे नियमित रूप से। आप सुबह ब्रश करते ही हैं, लेकिन रात को सोने से पहले भी ब्रश करना बहुत जरूरी है। जब आप ब्रश कर लेते हैं तो हमारे जो सारे कीटाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह बच्चों अपने दांतों को स्वस्थ रखना आपके अपने हाथ में है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए अब आपको एक और विचित्र बात बताती हूँ। आपने, अच्छा मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके दांत कभी खराब ही नहीं होते, दांत ही नहीं सड़ते उसके, बताइए, सोच सकते हैं जी? वो है मेंढक, है ना। मेंढक ऐसा है जिसके दांत कभी खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते पता है? क्योंकि मेंढक के दांत ही नहीं होते हैं, है ना। जिसके दांत ही नहीं है तो वो खराब कैसे होंगे, है ना। तो चलो ये तो हुई हंसी मजाक की बात। अब आपके लिए एक और अद्भुत बात बताती हूँ। बच्चों आपने डॉल्फिन सुना होगा, देखा भी होगा कुछ बच्चों ने। जो डॉल्फिन है वो अपने दांतों और जबड़ों का प्रयोग कैसे करते हैं, पानी में तरंगों को पकड़ने के लिए करते हैं। तो है ना अजीब बात। तो बेटा दांतों से जुड़ी हुई ऐसी अनेकों अजीब गरीब बातें हमारे पास हैं, ठीक है। तो आप अपना ये पाठ नियमित रूप से पढ़ें, इसका अच्छे से अध्ययन करें, आपको इसमें बहुत और भी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, और अब इस पाठ को सुनने के बाद आप एक बात अवश्य समझ गए होंगे, क्या, कि आप अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो नियमित रूप से ब्रश करना होगा। दो बार रात को सोने से पहले भी ब्रश करना बहुत जरूरी है, उठते ही तो आप करते ही करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले भी ब्रश करना बहुत जरूरी है। और अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं, है ना, चॉकलेट और टॉफी से दूर रहते हैं, ब्रश करते हैं, तो आपके दांत बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अब आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे, इस पाठ में दिए गए कठिन शब्द का बार बार लिख लिख कर अभ्यास करेंगे, और इस पाठ में आए शब्द अर्थ इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। इस पाठ से संबंधित कार्य पत्रिका और प्रक्षेपण पत्र आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।